अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लकड़ी का चूल्हा। तो ये हमने एक कलर का टीन लिया है जिसमें हमने तीन सुराख कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रंट ऊपर का जो सुराख है वो इसमें पहले से होता है और हमने जो फ्रंट पे सुराख किया है 6x4 का फ्रंट के ऊपर बीच में, जिसके अंदर से हम लकड़ियाँ डालेंगे। और साइड पे हमने सबसे नीचे बिल्कुल सुराख किया है जो राख के लिए है, जिस और बिल्कुल फ्रंट सुराख के बिल्कुल बैक साइड पे एक छोटा सा गोल सुराख किया है हमने 3 इंच का, ये है धुएं के एग्जॉस्ट के लिए। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिए चिकनी मिट्टी और भूसा। अब इस भूसे को हम इस चिकनी मिट्टी में मिलाएंगे। चलो देखते हैं। हमने भूसा चिकनी मिट्टी में डाल दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी को मिलाएंगे और अच्छी तरह इसको फिर से मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे इसका एक लेप बन जाए पानी को इस मिट्टी के। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे ताकि इसका एक लेप सा बन जाए। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका लेप तैयार हो गया है। इस चिकनी मिट्टी के लेप को इस डब्बे में डालेंगे और इसके जो सबसे नीचे वाला जो हमने होल किया है सुराख उसके बराबर कर देंगे। अच्छी तरह सब साइडों से बिल्कुल बराबर कर देंगे नीचे वाले होल के मुताबिक। ये सब बराबर हो गया है। अब इसमें हम थर्माकोल का पीस डालेंगे ताकि एक गैप बनाया जा सके इतना सबसे एग्जॉस्ट वाले सबसे नीचे वाले सुराख में हमने थर्माकोल के पीस रख दिए बीच में। जिस साइड से थर्माकोल का सुराख है उस साइड से हमने पीस रखे हैं और बाकी तीनों साइडों से जगह छोड़ दी है। अब हम ये मिट्टी का लेप जो बनाया है इसको हम डाल देंगे इन साइडों वाले सुराख में जो हमने छोड़े थे खाली। अच्छी तरह इन तीनों सुराख जो हमने जगह छोड़ी है इनको भर देंगे। अच्छी तरह से अब हमने इन तीनों सुराखों को भर दिया है। उसके बाद हमें लोहे के राड या फिर सरिया जो भी आपके पास है वो लेंगे। मैंने लोहे के राड लिए और एक इसका जाल बना देंगे इस थर्माकोल के ऊपर। जाल हमने बिछा दिया है। अब इस पे हम एक और थर्माकोल की शीट रखेंगे इस लोहे के जाल के ऊपर ताकि हम फिर मिट्टी डालें तो गैप सा बन जाए। ये हमने थर्माकोल का पीस इसमें रख दिया है, आप देख सकते हैं हमने ये बिल्कुल बीच में रखा है और इसके चारों तरफ से हमने जगह छोड़ दी है ताकि उसमें हम चिकनी मिट्टी डाल सकें। अब हम इसमें चिकनी मिट्टी का लेप डाल देंगे इन चारों गैप में अच्छी तरह से।
तरह से हमने इनके चारों साइड पे हम चिकनी मिट्टी डाल दी है। अब हम इसकी चारों अभी एग्जॉस्ट वाली साइड पे हमने पाइप का पीस लगा दिया है ताकि हम जब इसकी चारों दीवारें लेपें तो इस जगह पे मिट्टी ना लगे। अब हम चिकनी मिट्टी का लेप लेंगे और इसकी चारों साइड की दीवारें बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक दीवार एक साइड पे चिकनी मिट्टी लगाना शुरू कर दी है और ये एक साइड हो गई। इसी तरह हम इसके सारे अच्छी तरह चारों साइड से हम इसको लेप देंगे ताकि अच्छी तरह फिक्स हो जाए। ये हमने अच्छी इसको फिक्स कर दिया लेप के, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ा है और ये पाइप जो निकला हुआ है ये लिटा दिया है इसीलिए धूप लगने के लिए, थोड़ा सा सूख जाए तो हम इसको पाइप को फिर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा सूखने के बाद हमने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से लेप दिया। अब इसको मज़ीद सुखाने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए, उसके बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे। चूल्हा बन के तैयार हो गया लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है, थर्माकोल के पीस निकाल दें लेकिन उससे पहले से सूखने दिया जाए। अब ये हो गया सूख के तैयार, इसके हमने थर्माकोल के पीस निकाल दिए हैं, अच्छी तरह से ये सूख गए। देख सकते हैं ये इसका राख वाला खाना था कि ऊपर से पहले जल के नीचे आए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें आग जलाएंगे, जाल भी बिल्कुल ठीक बना हुआ है, कोयला जलाना शुरू कर दिया, लकड़ी जलाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम से लकड़ी ने आग पकड़ ली है, जो जो लकड़ी जलती जा रही है उसकी राख नीचे गिर रही है, बहुत बेहतरीन तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये हमने चूल्हे का जो ऊपर का कवर होता है वो इस पर रख लिया ताकि हम कुछ भी चीज अच्छी तरह से पका सके, हम इस पर कोई भी चीज पका सकते हैं, डेक्चा भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से आग लग गई है, अब हम इस पे कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। हम इस पे बना रहे हैं रोटी, ये रोटी डाल दी है चूल्हे पे और ये फौरन से पकना तैयार हो गई है। वाह, रोटी बिल्कुल ठीक पक रही है, चूल्हा बिल्कुल रेडी है और परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने लकड़ी का चूल्हा बनाया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लकड़ी का चूल्हा। तो ये हमने एक कलर का टीन लिया है जिसमें हमने तीन सुराख कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रंट ऊपर का जो सुराख है वो इसमें पहले से होता है और हमने जो फ्रंट पे सुराख किया है 6x4 का फ्रंट के ऊपर बीच में, जिसके अंदर से हम लकड़ियाँ डालेंगे। और साइड पे हमने सबसे नीचे बिल्कुल सुराख किया है जो राख के लिए है, जिस और बिल्कुल फ्रंट सुराख के बिल्कुल बैक साइड पे एक छोटा सा गोल सुराख किया है हमने 3 इंच का, ये है धुएँ के एग्जॉस्ट के लिए। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिए चिकनी मिट्टी और भूसा, अब इस भूसे को हम इस चिकनी मिट्टी में मिलाएंगे। चलो देखते हैं, हमने भूसा चिकनी मिट्टी में डाल दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी को मिलाएंगे और अच्छी तरह इसको फिर से मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे इसका एक लेप बन जाए। पानी को इस मिट्टी के मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे ताकि इसका एक लेप सा बन जाए। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका लेप तैयार हो गया है। अब हम इस चिकनी मिट्टी के लेप को इस डब्बे में डालेंगे और इसके जो सबसे नीचे वाला जो हमने होल किया है सुराख उसके बराबर कर देंगे। अच्छी तरह सब साइडों से बिल्कुल बराबर कर देंगे नीचे वाले होल के मुताबिक। अब ये सब बराबर हो गया है। अब इसमें हम थर्माकोल का पीस डालेंगे ताकि एक गैप बनाया जा सके इतना सबसे एग्जॉस्ट वाले सबसे नीचे वाले सुराख में हमने थर्माकोल के पीस रख दिए। बीच में जिस साइड से थर्माकोल का सुराख है उस साइड से हमने पीस रखे हैं और बाकी तीनों साइडों से जगह छोड़ दी है। अब हम ये मिट्टी का लेप जो बनाया है इसको हम डाल देंगे इन साइडों वाले सुराख में जो हमने छोड़े थे खाली। अच्छी तरह इन तीनों सुराख जो हमने जगह छोड़ी है इनको भर देंगे। अच्छी तरह से अब हमने इन तीनों सुराखों को भर दिया है। उसके बाद हमें लोहे के राड या फिर सरिया जो भी आपके पास है वो लेंगे। नए लोहे के राड लिए और एक इसका जाल बना देंगे इस थर्माकोल के ऊपर। जाल हमने बिछा दिया है। अब इस पे हम एक और थर्माकोल की शीट रखेंगे इस लोहे के जाल के ऊपर ताकि हम फिर मिट्टी डालें तो गैप सा बन जाए। ये हमने थर्माकोल का पीस इसमें रख दिया है। आप देख सकते हैं हमने ये बिल्कुल बीच में रखा है और इसके चारों तरफ से हमने जगह छोड़ दी है ताकि उसमें हम चिकनी मिट्टी डाल सकें। अब हम इसमें चिकनी मिट्टी का लेप डाल देंगे इन चारों गैप में अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमने इनके चारों साइड पे हम चिकनी मिट्टी डाल दी है। अब हम इसकी चारों अभी एग्जॉस्ट वाली साइड पे हमने पाइप का पीस लगा दिया है ताकि हम जब इसकी चारों दीवारें लेपें तो इस जगह पे मिट्टी ना लगे। अब हम चिकनी मिट्टी का लेप लेंगे और इसकी चारों साइड की दीवारें बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक साइड पे चिकनी मिट्टी लगाना शुरू कर दिया है और ये
साइड हो गई। इसी तरह हम इसके सारे अच्छी तरह चारों साइड से हम इसको लेप देंगे ताकि अच्छी तरह फिक्स हो जाए। ये हमने अच्छी इसको फिक्स कर दिया लेप के, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ा है। और ये पाइप जो निकला हुआ है ये लिटा दिया है, इसीलिए धूप लगने के लिए थोड़ा सा सूख जाए तो हम इसको पाइप को फिर से बाहर निकाल देंगे। हमने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से लेप दिया है। अब इसको मजीद सुखाने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए, उसके बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे। चूल्हा बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। थर्माकोल के पीस निकाल लें, लेकिन उससे पहले से सूखने दिया जाए। अब ये हो गया सूख के तैयार, इसके हमने थर्माकोल के पीस निकाल दिए हैं अच्छी तरह से। ये सूख गए, राख वाला खाना था कि ऊपर से पहले जल के नीचे आए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें आग जलाएंगे, जाल भी बिल्कुल ठीक बना हुआ है, कोयला जलाना शुरू कर दिया, लकड़ी जलाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम से लकड़ी ने आग पकड़ ली है, जो जो लकड़ी जलती जा रही है उसकी राख नीचे गिर रही है, तीन तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये हमने चूल्हे का जो ऊपर का कवर होता है वो इस पर रख लिया ताकि हम कुछ भी चीज अच्छी तरह से पका सकें। तो इस पर कोई भी चीज पका सकते हैं, डेक्चे भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से आग लग गई है, अब हम इसमें कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। हम इसमें बना रहे हैं रोटी, ये रोटी डाल दी है चूल्हे पे और ये फौरन से पकना तैयार हो गई है। दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने लकड़ी का चूल्हा बनाया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन